Very good morning, dear students. Today I am going to have your science class. Let us start now. Chapter 5, Birds, Beaks and Claws. Feet and Claws. Birds के feet और claws के structure या बनावट के आधार पर birds का वर्गीकरण किया गया है. बर्ड का वर्गीकरण किया गया है. बर्ड को अलग अलग प्रकार में बांटा गया है. क्यों? उसके फीट और क्लॉज जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, इसलिए बर्ड्स के भी अलग अलग प्रकार होते हैं. बर्ड्स हैव टू फीट एंड फोर टोज ऑन ईच फुट. दे यूज देयर फीट टू वॉक एंड हॉप अराउंड. ईच टो हैज़ अ कर्व एंड पॉइंटेड क्लॉ एट इट्स एंड. The claws of birds help them to catch and hold food. Let us learn about different kinds of feet and claws. Birds के two feet होते हैं, दो पैर होते हैं और four claws होते हैं. Four क्या होते हैं? इसके toe होते हैं. Okay? और ये सभी birds के claws पंजे अलग अलग तरह के होते हैं, इसलिए birds को अलग अलग प्रकार में बांटा गया है. ओके, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स. द स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज ऑफ फ्लैश ईटिंग बर्ड्स सच एज ईगल एंड हॉक्स आर कॉल्ड टेलॉन्स. दे हेल्प देम टू कैच देयर प्रे. एंड ईगल इज अ फ्लैश ईटिंग बर्ड्स. ईगल कैसे होते हैं? फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं. और इसके जो क्लॉज होते हैं कैसे होते हैं? शार्प होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं. और ये किस में मदद करते हैं? इसको शिकार को पकड़ने में, इनके फूड को पकड़ने में मदद करते हैं. ऐसे बर्ड्स को क्या कहते हैं? टेलॉन्स. ओके, पर्चिंग बर्ड्स. पर्चिंग बर्ड्स, बर्ड्स सच एज स्पैरोज एंड क्रोज होल्ड ऑन टू ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एंड सिट ऑन देम. दिस इज कॉल्ड पर्चिंग बर्ड्स. स्पैरो और क्रोज, इन्हें क्या कहते हैं? पर्चिंग बर्ड्स कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये ट्री को के ब्रांच को अच्छे से पकड़ के ट्री के ऊपर बैठ सकते हैं, इसलिए इसे पर्चिंग बर्ड्स कहते हैं. द फीट ऑफ पर्चिंग बर्ड्स हैव थ्री टोज इन फ्रंट एंड वन टोज एट द बैक. दिस हेल्प देम टू होल्ड ऑन टू द ब्रांचेस फॉर्मली. अ क्रो इज अ पर्चिंग बर्ड. क्रो कैसे होते हैं? पर्चिंग बर्ड्स होते हैं. इसके थ्री सामने में थ्री टोज होते हैं और फ्रंट में वन, सॉरी फ्रंट में सामने में थ्री टोज होते हैं और बैक साइड में वन टोज होते हैं. ये क्या करते हैं? ट्री के ब्रांच को पकड़ने में, पकड़ के बैठने में बर्ड्स को मदद करते हैं. ओके, स्क्रैचिंग बर्ड्स. बर्ड्स सच एज हैंस एंड पीकॉक्स हैव शार्प एंड हार्ड क्लोज विथ थ्री टोज इन फ्रंट एंड वन एट द बैक ऑफ back for digging. They search and dig the ground with their claws to pull out worm and the insect. A hen is a scratching bird. Hen कैसा होता है? Scratching bird होता है. क्यों? ये क्या करते हैं? अपने अपने claws का उपयोग किसके लिए करते हैं? जमीन को, ground को scratching करते हैं, खोदते हैं, डिगिंग करते हैं, गड्ढा करते हैं और उसमें सर्च करते हैं. क्या? अपने फूड को सर्च करते हैं, भोजन को सर्च करते हैं. ऐसे बर्ड्स को क्या कहते हैं? स्क्रैचिंग बर्ड. क्लाइंबिंग बर्ड्स. बर्ड्स सच एज वुड पेकर्स एंड पैराकिट्स हैव टू टोज पॉइंटिंग फॉरवर्ड एंड टू टोज पॉइंटिंग बैकवर्ड. दिस हेल्प्स देम टू क्लाइंब अप अ ट्री एंड क्लिंग ऑन टू अ ब्रांच वाइल लुकिंग फॉर फूड. This is a picture of parakeet. Parakeet is a climbing birds. इसे क्या कहते हैं? हम climbing birds कहते हैं. इसके कैसे होते हैं toes? Two toes pointing. Two toes pointing forward and two toes pointing backward. Two toes सामने में होते हैं और two toes back side में होते हैं. और ये नुकेले होते हैं और ये क्या करते हैं? ब्रांच को पकड़ने में और उसमें झूलते हुए अपने फूड को सर्च करने में मदद करते हैं.
वेडिंग बर्ड्स, वेडिंग बर्ड्स कहते होते हैं वाटर बर्ड्स सच एज क्रेन्स एंड हेरोन्स आर वेडिंग बर्ड्स, सारस एंड बगला, इसे क्या कहते हैं वेडिंग बर्ड्स। दीज बर्ड्स हैव लॉन्ग लेग विथ टोज दैट आर स्प्रेड आउट, दिस हेल्प देम टू वेड थ्रू मडी वाटर, देयर लेग्स डोंट सिंक इन टू द वाटर। मीन्स सी इन दिस पिक्चर अ क्रेन इज अ वेडिंग बर्ड्स, क्रेन के जो वेडिंग बर्ड्स होते हैं इनके जो लेग होते हैं कैसे होते हैं लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं विथ टोज, और ये सामने की ओर फैल जाते हैं और ये मडी वाटर में भी मडी वाटर में कीचड़ वाले पानी में भी चलने में मदद करते हैं। स्विमिंग बर्ड्स, बर्ड्स दैट स्विम हैव शॉर्ट लेग, बर्ड्स सच एज डक्स एंड पेलिकन्स हैव थ्री टोज इन फ्रंट एंड वन एट द बैक। और डक इज अ स्विमिंग बर्ड्स, डक कैसा बर्ड है स्विमिंग बर्ड्स है, इसके टोज कैसे होते हैं शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट होते हैं और थ्री सामने की ओर होते हैं, और ये क्या है द थ्री फ्रंट टोज आर जॉइंट बाई थीन स्किन, सामने में जो थ्री टोज होते हैं वो जॉइंट रहते हैं पतले स्किन के द्वारा। ओके सच फीट आर कॉल्ड वेब्ड फीट, ऐसे फीट को कहते हैं वेब्ड फीट। इट हेल्प द बर्ड्स टू स्विम इन वाटर, ये वाटर में स्विम करने में बर्ड को मदद करते हैं। ओके यू हैव टू लर्न दिस चैप्टर प्रॉपरली। ओके नाउ चैप्टर इज कंप्लीट, ऑल द बेस्ट।